ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର କରିବା ଲାଗି ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛନ୍ତି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁରରେ ସଫେଇ ମିତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ସମ୍ମାନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ସଫେଇ କର୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହ ଉପହାର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ। କହିଛନ୍ତି ଆଜି ଗୋରଖପୁରର ସୁନ୍ଦରତା ପଛର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଏହି ସଫେଇ କର୍ମୀଙ୍କୁ ହିଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଗୋରଖପୁରର ସ୍ଥିତି ଏମିତି ନଥିଲା। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଯୋଗୁଁ ଗୋରଖପୁର ମହାନଗରର ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ଥିଲା। ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହାର ଲାଭ ପହଞ୍ଚୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋରଖପୁରର ନୂଆ ପରିଚୟ ହେଉଛି ବିକାଶ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରତା। दीपोत्सव का आनंद तभी है जब स्वच्छता रहेगी। स्वच्छता के लिए सबको प्रयास करना पड़ेगा, सामूहिक रूप से प्रयास करना पड़ेगा। हर व्यक्ति को संकल्प लेना पड़ेगा कि स्वच्छता के इस कार्यक्रम का हम हिस्सा बनेंगे। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में मेरी भी अब सहभागिता होगी, पूरा सहयोग करूंगा। मेरे स्तर पर किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई गंदगी नहीं फैलाई जाएगी। यह गंदगी चाहे भौतिक रूप से हो, चाहे वह किसी अन्य प्रकार से हो, वह किसी भी रूप में समाज के बीच में वातावरण जिससे खराब हो, इस प्रकार का माहौल किसी को बनाने नहीं देना है। और इस कार्यक्रम के साथ आज हम सब जुड़ रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि कुछ वर्ष पहले तक हम गोरखपुर महानगर के अंदर बरसात के समय एक बरसात पड़ जाती थी, पूरा गोरखपुर महानगर जल प्लावित हो जाता था। अब गोरखपुर में एक दिन मैं देख रहा था, पूरे रात भर बारिश पड़ी, सुबह जब हम लोग निकले तो कहीं भी जल जमाव नहीं था। ये दिखाता है विकास हुआ है। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चेल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।